सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में, अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए हरार महादेव स्वर्ग जाओगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। स्वर्ग का डायरेक्ट दरवाजा खुल चुका है। धरती पर स्वर्ग की टिकट बांट रहे ये बीजेपी के स्वर्ग प्रतिनिधि सांसद रवि किशन हैं। बिजली वाले चमत्कारी मुर्दा घर में आनंद से जलकर स्वर्ग जाने का अनुभव मुख्यमंत्री के सामने बता रहे हैं। कोरोना के बीच स्वर्ग की सीढ़ी चाहिए तो बीजेपी से संपर्क करिए। कोरोना में हजारों लोग मर रहे हैं, पता नहीं किसकी आत्मा को कौन सी जगह मिल रही है ऊपर, लेकिन बीजेपी शमशान में मुर्दे को जगह दिला पाए या ना दिला पाए, लेकिन स्वर्ग की गारंटी जरूर दिला रही है। शर्त बस इतनी है कि आप गोरखपुर में बिजली से जलाने वाले मुर्दा घाट पर जलिए। हो सकता है रवि किशन ने बिजली वाले मुर्दा घाट पर मुख्यमंत्री के लेटर पैड पर कोई पर्ची व्यवस्था लागू की हो जिसे ऊपर दिखाकर सीधे स्वर्ग की संस्तुति मिल जाती हो। रवि किशन स्वर्ग पहुंचाने की गारंटी ले रहे हैं और सरकार मजे ले रही है। इसमें थोड़ी भी शंका नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मौज लेने में इतनी बिजी थी कि कोरोना के सामने फेल साबित हो गए। इतने बड़े कोरोना फेलियर के बाद भी सब सचेत नहीं हुए हैं। मैं छोटी सी पत्रकार हूँ, बड़े बड़े लोगों को क्या कहूँ। भारत में प्रलय के संकेत हैं, कुछ शहर प्रलय में घिरे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगियां रुके तो रुके, रैलियां नहीं रुकेंगी। कोरोना ने शमशान घाटों पर कब्जा करके अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का कोरोना से कॉम्पिटिशन है, कोरोना देश में जीता है तो बीजेपी को भी बंगाल जीत से नीचे कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी की बंगाल में रैलियां लगी हुई हैं। अगले 24 तारीख तक का टाइम टेबल बिल्कुल तैयार है। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, इसलिए वो भी स्टार प्रचारक मोदी जी के साथ ही जाएंगे और बंगाल की रैलियों में 2 गज की दूरी और मास्क के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया है, उसे वही मालूम चलता है जो संजय बताते हैं, लेकिन इत्तेफाक से चुनाव आयोग का संजय छुट्टी पर चल रहा है तो चुनाव आयोग के बारे में कुछ कहना बेकार है। कुंभ में भी कोरोना 3000 पार है। उत्तराखंड की सरकार ने हिंदू वोट बैंक के चक्कर में पूरे उत्तराखंड को मौत के ढेर पर बैठा दिया है। इस कोरोना संकट में निरंजनी अखाड़े की आत्मा जागी। निरंजनी अखाड़े ने आगे आते हुए कुंभ से वापस जाने का ऐलान किया, लेकिन बाकी के साधु संन्यासियों को ये बात ठीक नहीं लगी और वो संत संस्कृति और परंपराओं का हवाला देते हुए निरंजनी अखाड़े के खिलाफ खड़े हो गए। जब इतने बुद्धिमान साधु संतों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्रियों को कोरोना की इस विनाश लीला से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कभी कभी कोरोना पर ही शक होता है, लेकिन फिर लोगों की लाशें देखकर कोरोना पर यकीन भी हो जाता है कि वो है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय।